डॉक्टर, हम आपसे तो ट्रीटमेंट करा ही रहे हैं, लेकिन क्या हम क्लीनअप और फेशियल करवा सकते हैं? डेली बेसिस पे पूछे जाने वाला एक कॉमन सा सवाल है मुझसे। अब क्लीनअप क्यों कराया जाता है यूजुअली? क्योंकि आप लोगों को अपने फेस पे ब्लैक हेड और वाइट हेड फील हो रहे होते हैं। अब क्लीनअप में बेसिकली क्या करते हैं आप लोग के, जब आप जाते हैं तो वो स्टीम देते हैं और उसके बाद वो पोर के अंदर से वो ब्लैक हेड और वाइट हेड निकाल देते हैं। पोर को वो कुछ नहीं करते, पोर वहीं पर है। तो बेसिकली जो कॉज था, जो रूट कॉज है, जो जड़ है उस ब्लैक हेड और वाइट हेड की, वो तो वहीं पर है। 3 4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद दोबारा उसमें ऊपर से मट्टी जाएगी, नीचे से सीबम आएगा, जो आपकी स्किन बना रही है वो दोनों मिल के वहाँ पे ब्लैक हेड और वाइट हेड दोबारा बना देंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपके पोर्स का साइज जो है वो आपको ज़्यादा बड़ा और प्रोमिनेंट दिखने लगेगा। तो बेसिकली ये जो क्लीन अप और फेशियल्स होते हैं, इनसे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप अपने फेस को वीकली बेसिस पे एक्सफोलिएट करें। जब आप एक्सफोलिएट करते हैं विद ग्लाइकोलिक एसिड, विद लैक्टिक एसिड, विद मंडालिक एसिड, और जिन लोगों की स्किन ऑयली है, एक्नी प्रोन है, वो विद सैलिसिलिक एसिड, तो आपकी स्किन अपने आप को रिन्यू करती है। ऊपर से डेड लेयर उतरती है, डेड लेयर रिमूव होती है, और नीचे से कॉलेजन और इलास्टिन बनता है। जब कॉलेजन और इलास्टिन बनता है तो ऑटोमेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पोर्स का साइज श्रिंक होता है। तो जो रूट कॉज है वो ट्रीट हो रही है। सो प्लीज़, आपको हर हफ्ते अपने फेस को क्लीन अप करने की और हर महीने जाके सैलून से फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं होती इफ़ यू आर फॉलोइंग द राइट स्किन केयर। बट देन हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर हमें फेशियल करा के ग्लो नज़र आता है और वो सब। तो डेफिनेटली, बिकॉज के फेशियल में बहुत सारी खवातीन जो डेली बेसिस पे अपने आप को 10 मिनट भी नहीं दे सकती, वो जब फेशियल कराने जाती हैं तो 2 घंटे के लिए वो एक जगह पे लेटती हैं, वो उनके फेस पे मसाज करते हैं, तो उससे उन्हें रिलैक्सेशन मिलती है। और जब आप रिलैक्सेशन फील करते हैं तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली यू फील बेटर एंड ग्लोई। तो आई एम नॉट सेइंग इट कि इट्स हार्मफुल, बट आई कैन टेल यू कि इसका कोई साइंटिफिक फ़ायदा नहीं है। प्लस अगर इन सारे चीज़ों की रिप्लेसमेंट में आप हाइड्रा फेशियल जैसे साइंटिफिक फेशियल्स कराएं तो इट्स अ लिटिल बिट बेटर, क्योंकि दे क्लीन अप योर पोर इन अ सेफ वे। आई डोंट रिकमेंड कि आप जाके वीकली बेसिस पे कॉमेडॉन की एक्सट्रैक्शन करें। उससे बहुत बेहतर है कि आप अपनी एक्सफोलिएशन जो है उसको अच्छे से करें, एंड यू विल नॉट गेट द ब्लैक हेड और वाइट हेड। ये वीकली क्लीन अप और मंथली फेशियल की ज़रूरत नहीं है।